अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई देखें, फिर से क्लाउडी वेदर हो गया और तूफान फिर से। देखें इस क्या वीडियो बनाए, क्या काम करे बंदा। मैं तो भाई छुट्टियों पे थोड़ी दिन सोच रही चली जाऊँ, क्योंकि काम जो है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा मेरे से। और इससे मेरा फुल फिट हाल हो गया। क्या हाल है आपकी? अब ये देखें, मैं कवर करके गई हुई हूँ लेकिन स्टिल शेप सारी ऐसे हुई हुई है जैसे कि अभी। क्या क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। तो वेलकम बैक दोबारा से भाई। क्या बोलती हूँ, मतलब खुशामदीद आप सबकी। वही है खुशामदीद आप सबको। पता नहीं जब बंदा थोड़े दिन बाद काम करना या कोई व्लॉग करना व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो बड़ी मत बजी होती है। एनीवेज मैं काफ़ी दिनों बाद ऊपर आई हूँ व्लॉग बनाने, वीडियो बनाने। एज यू नो वेदर चल के आ रहा था, बारिशें अंधेरियाँ। सो मुझे लगा कि अब शायद थोड़ा सा वक्फा आ गया बारिशों में, तो मे भी मुझे थोड़ा सा अब शीटों को उठा देना चाहिए। छत पे आई सुबह, शीट्स उठाई, क्लीनिंग की। ये देखिए ये टेक्सचर मैंने सारे निकाले टब से। सुबह धूप में आके काम करती हूँ, दोपहर में नहीं ये सारे काम करती क्योंकि दोपहर में मुझे वीडियो बनानी होती है। ये देखिए इतना सॉफ्ट टेक्सचर था, शीटों के नीचे ही इसकी जानें निकली हुई हैं, जान निकल गई है टेक्सचर की। खैर चेक आउट। ये देखिए इसको क्ले पॉट से बाहर निकाला था, रेड डर्ट को देखें। ये मैं ब्लैक डर्ट बाहर निकाल के गई थी कि प्योर डर्ट के चंक्स बाहर निकाले थे। टब्स आप देखिए मेरे, आपको इधर उधर ही नज़र आ रहे होंगे। ये शीटें उठाई मैंने और ये मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर, ये शीटें उठा के यहाँ रखी। यहाँ से सारी ओवरऑल क्लीनिंग मैंने की, क्लीनिंग करके शेपिंग वगैरह जो थी ना सारी फाड़ी करके टेक्सचर निकाल के फिर नीचे गई हूँ। और अभी मैंने ये एरिया क्लीन नहीं किया, ये बस मैंने उठाई थी शीट और डर्ट्स निकाली थी। खैर कैसे हैं आप सब बताएं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें मैंने बिग साइज क्ले पॉट मंगवाया है। इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे खज्जल खुआरियों के बाद। और क्या लाई हूँ मैं भाई, बाज़ार गई थी थोड़ी शॉपिंग की थी। हाँ मुझे ना वो ला वाइटा भी लेना था, इस ब्लू कलर में वाइटा भी मुझे नज़र आया था, वहाँ पर मैंने वो भी लेना था, पिंक भी था। बट उस टाइम मेरा दिमाग ना दिमाग की बत्ती बंद हुई थी क्योंकि मेरे ना पैर में ना मोच टाइप पेन आई हुई है, बहुत दर्द हो रही चलने में। और रोड्स इतने फजूल थे ना, पत्थर टूटे हुए थे सारी रोड्स पे, रोड्स बन रहे हैं तो इस वजह से ना मुझे फिर चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। खैर एक मिनट ज़रा, तो फिर ना मुझे उन रोड्स के ऊपर चलने की वजह से ना इतनी पैर में पेन आ गई थी ना कि मेरा दिल चाहता मैं जल्दी से बस घर चल जाऊँ। शॉपियाँ जो है ना वो रहने ही देती हूँ थोड़ी सी, बाकी मैं फिर करूँगी, जाऊँगी भाई के साथ जाके फिर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। फिलहाल जो थोड़ा बहुत था जहर में नज़र आया ले आई, बाकी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह ताला वो मैं भाई से मंगवा लूँगी और थोड़ी बहुत फिर जाके ले आऊँगी। इतनी गीली ड्राई सूखी है ग्राउंड पर। बाउल को हिलाती हूँ, उसमें क्रबलिंग करती हूँ। चले ठीक है मैं बना लूँ, चले हम इसमें क्रबलिंग करते हैं।
यार आप लोग मेरी ट्रेवलिंग व्लॉग से भी बोर हो गए। मैं किधर जाऊँ, कितने जाऊँ मैं? नहीं कुछ सब्सक्राइबर इतनी बदतमीज़ से बात करते हैं मेरे से आके, ऐसे जैसे मैंने उनका कर्जा देना। सब्सक्राइबर सुन लो, मज़े की नहीं लग रही, ड्राई नहीं है ना। आज मैं सोच रही हूँ किसकी वीडियो बनाऊं, ये मिर्ची की पड़ी में डाल देते हैं। मैं अभी वीडियो बना रहे बैठी हूँ, इतनी तेज अंधेरी चलना शुरू हो गई। वो देखें मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मामा, समझ नहीं आ रही। इतना दिल करता वीडियो बनाऊं, मौसम फिर से बादल आने शुरू हो। वाइडर्ड इतनी सॉफ्ट है और पता नहीं वो थोड़ी सा टेक्सचर हार्ड हुआ है। पिंक टब नजर आया, किसी रंग उड़ गया था, पहले भी पिंक टब लिया था, तो फिर जहन है कि चलो धूप में नहीं रखूंगी, अंदर रख दिया, तो फिर ना आप उसको लेकर आऊंगी। वो पिंक टब छोटा सा बहुत प्यारा था। जैसे हवा चल रही है ना तूफानी, हल्की हल्की अंधेरी चल, लग नहीं रहा मुझे शीट उठानी चाहिए थी। चलें जी मर्डर की ट्रेवलिंग करते हैं। मौसम जैसा भी अंदर गया होगा, सारे टेक्सचर ना उड़ उड़ के ना बिखरे हैं। सामने वाली ना बोतल लगाई है टैंकी पे, उसकी बात से मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। और लेकर अल्लाह ना करे बारिश हो दोबारा, सारा कुछ खाया होगा शीटे वगैरह। एक स्लैब ले कर आई हूँ, मैं टच
आपको उड़ाओ में आवाज़ आ रही होगी इसको बोतल की चींकू चींकू की, वरना कुछ लगाने का क्या तुक बनता है इस बोतल को। एक मिनट जरा, मैंने कर दी है मटर की क्रमिंग, मेरी बॉडी शुरू हो गई, बारिश के ड्रॉप्स पड़े हैं इसमें, पानी डाल कर देती हूँ। हाँ लगता है टेस्ट होगी ना, ये नहीं हो जानी है फिर से। कभी मैं इतनी थक जाती हूँ ना इनको अनकवर कर करके ना, कि मैं कहते मैं ऐसे ही छोड़ दूँ इनको, बारिश में खुला ही छोड़ दूँ, बहुत थक जाती हूँ मैं। कभी मैं कहती हूँ इतनी मेहनत से बनाई हुई है, ज़ाया हो जाएंगे तो क्या करूँगी मैं। चलो इसको छोड़िए, वो डस्ट उड़ गया। यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं दूसरी वीडियो कैसे बनाऊँ, व्लॉग कैसे बनाऊँ, इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है, फुल तेज़ ब्लैक सैंड है। अब साउंड नहीं आएगा क्योंकि तो माइक को अगर मैंने ऐसे ढीला छोड़ देना तो बज बज के उसने शोर मचा देना है। बस क्ले पॉट लेकर आई, इतनी तेज चल रही है, थोड़े से टेक्सचर और टेस्टी है। वो देखें वो बोतल नज़र आ रही है आपको, मनूस बोतल, और वो देखें क्लाउड्स, फुल हवा चल रही है तेज। ये देखें मैंने यहाँ से टेक्सचर उठाया है और चंक जो निकले थे वहाँ पे लग दिए थोड़े से। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं शीट्स कवर करके जाऊँ कि क्या करूँ। यहाँ से मैंने थोड़ी क्लीनिंग की है, डर्ट्स को थोड़ा सा सही से रखा है। ये देखें
इस सैंड जो है ना उड़ के इस टेक्सचर में जा रही है, बहुत ज़्यादा बेजारी हो रही है मुझे। खराब हुए हैं टेस्टर ड्राई होने की वजह से, ओहो मामा की शीट टूट गई है इसको। एक मिनट, अब तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, बेकार। ये डैम ग्रिटी सीमेंट है, मैंने इनको उठा कर रख देती हूँ। यार इन्होंने मेरे व्लॉग में कुंडी खोलनी होती है, जब भी व्लॉग में होती हूँ कुंडी खोलने लग जाते हैं कोई ना। ये देखिए मैंने फिर सब कुछ कवर कर दिया है, ये देखें मुझे नई शीट लाई थी वो भी बिछा दी है। और मुझे पता है मुझे इतनी मतलब नवाजारी चढ़ती है ना जब मुझे बार बार शीटें देनी पड़ती हैं। हाय ये वक्त तो था, मैं बारिश, मुझे मौसम बारिश का मौसम अभी भी बहुत पसंद है, बारिश का मौसम देखकर एकदम खुशी सी छा जाती है। लेकिन जब से एस्मर आर्टिस्ट बनी हूँ ना मेरी तो यकीन करें मौसम जो बारिश का एक सुहाना पसंद है ना उसकी उससे डर लगने लगे मुझे, क्योंकि अगर मैं एस्मर आर्टिस्ट ना होती तो मैंने इस मौसम को इतना एंजॉय करना था, बट अब सारी एंजॉयमेंट जो है ना मेरी डस्ट की तरह उड़ गई है। ये चेक करें आप, इतनी बड़ी शीटें देना ईंटों से हर चीज़ को कवर करना बहुत मुश्किल काम है, मेरी कमर टूट गई है ना, व्लॉग सही से बन पाया ना वीडियो कोई बना पाई हूँ चंगी जी। मैं नीचे जा रही हूँ, देख कितनी डस्ट हो रही है हवा में। ये देखिए जी बारिश हो गई थी शुरू, इधर तो नज़र नहीं आ रहा वेदर बिना, बारिश शुरू हो गई थी और बस सामने लोग चढ़े ना, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है मेरे से कि ला 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 ला। ये फातिमा सफाई कर रही है यहाँ से, वो देखें कूड़ा चक्कर लगी हुई है कुड़ी।